वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ प्राची शिमेक, और ये वही गिरी गंगा है जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में एंडिंग में दिखाई थी। तो ये ओरिजिन है इसका शिमला से, सोलन होती हुई फिर आती है पांवटा साहिब मेरे घर के बिल्कुल पास। तो मैं और पापा जा रहे हैं अपने गांव, मामा भी गांव में, सब लोग गांव में, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी गांव चले। तो सामने हमारा गांव जहां पे बहुत ज़्यादा काम है अभी, बिकॉज 9 दिन का पार्ट है घर पे, तो मेरे और पापा ने सोचा चलो हम भी हेल्प करवाते हैं और जल्दी से चलते हैं। वहाँ जाके देखा तो चपाती तो ऑलरेडी बन रही थी, और वो भी मक्की की रोटी गरम गरम, और हमने सोचा फटाफट सब्जी बनाते हैं, और हमने मैं और मेरी कज़न मिलके बना रहे हैं कोफ्ते। मेरी 80 साल की नानी भी काम करती है रानी, कालो सांडे। खाना मीठा सब रेडी है, अब बारी है आटी की। स्वाहा। हवन की पूर्ण आहुति भी डल गई, और 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, इतने बिजी थे गांव में। फिर बाकी काम भी चल रहा था, बिकॉज मक्की की कटाई हुई थी, खेतों में काम था, एंड वो मक्की काटने के बाद उसको छिलना, सुखाना, ऐसे घर पे से लगा रहता है सुखाने के लिए, तो बस इन सब चीज़ों में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, और सीधा आ गया दशहरा। दशहरे में मैं और मेरी छुटकु सी कज़न जा रहे हैं मंदिर, और उसके बाद जाएंगे हम दशहरे मेले में जहाँ पे रावण को फूंका जाएगा। मैंने एक बार जब नीचे देखा तो इतनी भीड़ मैंने पांवटा में कभी नहीं देखी। मार्केट का एरिया लोगों के छत में, मतलब आसपास गुजरने की भी जगह नहीं थी। और इसी के साथ रावण को भी जलाया गया और मनाया गया हैप्पी दशहरा। अगले दिन मैं और मामा गए करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, और रास्ते में ये कलश यात्रा गुजर रही थी। मतलब मैं 2 सेकंड के लिए एकदम सरप्राइज हो गई देख के। आप देखिए मैं क्यों सरप्राइज हुई हूँ। कलश यात्रा क्यों निकली थी, बिकॉज आज के दिन है शरद पूर्णिमा, और आज के दिन में यमुना जी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और हमारे ही शहर में पांवटा साहिब में यमुना जी बहती है, इतनी सुंदर और शांत बहती है, इतना अच्छा लगता है उस तरफ, लेकिन गहरी बहुत है, तो बच बचा के अपना ध्यान रख के एकदम जाइए आप दर्शन करने अगर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग इस ब्यूटिफुल सनसेट के साथ करेंगे दर्शन। अभी इन यमुना जी को देख के लग रहा है कि क्या यही वो यमुना है जो दिल्ली जाती है, इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर तक बैठी रही और पूरा सनसेट देखती रही कि सनसेट हो जाए तो उठूँगी, लेकिन अचानक मेरे को आवाज़ सुनने लगी गाने बजाने की, लगा कुछ ऊपर फंक्शन चल रहा है, तो मैं और मामा गए ऊपर देखने के लिए कि क्या चल रहा है, और ये वहाँ पे कुछ डांस वगैरह चल रहा है। तो शरद पूर्णिमा का सिग्निफिकेंस क्या है,
इस दिन को लॉर्ड कृष्णा ने बांसुरी बजाई थी यमुना के तट पर जब फुल मून था, एंड कहते हैं कि आज के दिन महारास हुआ था, पहला महारास हुआ था जब कृष्ण ने बंसी बजाई थी। एंड आज के चांद का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, लोग चावल और खीर लाइक प्रसाद में बाहर ही रखते हैं चंद्रमा के सामने, जहाँ पे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती हैं और अगले दिन सब मॉर्निंग में उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सो यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन दी एनर्जी एंड लाइट्स ऑफ मून ऑन दिस नाइट। और जो आप सामने यमुना के घाट पे देख रहे हैं, ये देख के मैं भी बहुत खुश हो गई थी और मैं फटाफट उस तरफ चल पड़ी, क्योंकि सब लोग इतने सारे वहाँ पे दिए जला रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊँ और मैं भी बहुत सारे यू नो दिए लाइट अप करती हूँ। तो मैं भी गई वहाँ पे फटाफट से और सबके साथ हेल्प करने लगी। और कई सारे दिए जलाने के बाद मैंने उन सभी दियों को वैसे ही सीढ़ियों पे लगा दिया जैसे बाकी सब लगा रहे थे एक एक करके, एंड सब इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था आसपास, इट वाज अमेजिंग। ऊपर चंद्रमा चमक रहा था, नीचे दिए चमक रहे थे, तो यमुना जी की तो वाह वाह हो ही गई। जय माँ यमुना। तो आज के दिन एक बहुत स्पेशल आरती होती है यमुना जी की, तो बस शुरू होने वाली, तो फटाफट से चलते हैं आरती में। ओम भवद्भवः नमः अभिषेकम् समर्पयामि यमुना महारानीभ्यो नमो नमः। बोलो यमुना महारानी की जय। हिमानि गंध पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य नमस्कारान् समर्पयामि। ओम जय यमुना के बाद हम सब ने यमुना जी में एक दिया प्रज्वलित कर दिया और कलेक्ट हो रहे थे इतने सारे दिए यमुना जी में चमक रहे थे। आप टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ आगे जाके कलेक्ट हो जाएगा और सब क्लीन हो जाएगा बाहर जाते ही थोड़ा सा दूर जाके, बट फॉर द ट्रेडिशन वी डिड दिस। पूरा पोंटा लाइटों से एकदम डेकोरेटेड था और आज के दिन होता है शरद महोत्सव, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम भी चलते हैं शरद महोत्सव में। और जाते जाते जहाँ देखो वहाँ लाइट्स लाइट्स, पेड़ों पे लाइट, बिल्डिंग्स पे लाइट, सो इट वाज रियली लुकिंग ब्यूटीफुल और पूरा दिवाली वाइब दे रहा था। सुनते कानों को कुलदीप शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? तीन साल बाद वापस पोंटा में फंक्शन था, हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, बैठे बैठे मस्ती सुनी, गाने सुने और थोड़ा सा डांस तो किया ही किसी। आई थी सुसु बहुत जोर से, सुसु आई थी और उसके लिए इसी तरीके से आज शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण भगवान ने महारास किया था और यमुना तट पर बांसुरी बजाई थी। यह है शरद पूर्णिमा का खूबसूरत से चांद फुल मून। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।